खबर शुभिलाई, आपकी खबर तेजस्वी। बस्ती जिला अवैध गांजा तस्करों का हब बनता चला जा रहा है और आए दिन पुलिस की कार्यवाही में अवैध गांजा तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन तब भी गांजा माफियाओं में खाकी का खौफ नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में युवा हैं, जो आसानी से इस नशे के आदी हो रहे हैं। आज स्वाट टीम व कप्तानगंज पुलिस की संयुक्त टीम से नेशनल हाईवे के किनारे गढ़ा गौतम गांव के पास दो गांजा तस्कर से पुलिस मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान दोनों गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अवैध गांजा तस्करों के पास से लगभग 22 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4,40,000 रुपए आंकी गई है। बताते चलें कि सत्य प्रकाश सिंह, जो अंतर जनपदीय अवैध गांजा माफिया है, और अम्बेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर आदि जिले में इसका अवैध कारोबार फैला रखा है और आज उसके दो साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज व स्वाट टीम प्रभारी विनोद कुमार महफोज के साथ गढ़ा गौतम अंडरपास के पास घेराबंदी किए। अचानक बस्ती की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जो पास आते ही चालक अचानक ब्रेक लेकर पीछे मुड़ने लगा। शक के आधार पर रोका गया तो बाइक सवारों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। हरकत में आई पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों गांजा तस्करों को मय बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की बरामदगी में एक बाइक, 22 किलो गांजा, एक देशी तमंचा, एक खाली खोखा कारतूस, 12 बोर का एक जिंदा कारतूस व 2 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है। गांजा तस्कर रवि चौहान उर्फ गुड्डू पुत्र रामपाल चौहान, जो मुरादीपुर थाना हरैया जनपद बस्ती का निवासी बताया जा रहा है, वहीं उसका दूसरा साथी पालजी गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी शेखपुरा थाना वाल्टरगंज का बताया जा रहा है। सर, मुठभेड़ के दौरान गांजा तस्कर पकड़े गए, क्या पूरा मामला? सर, कल रात्रि 1:30 बजे थाना कप्तानगंज की पुलिस और स्वाट टीम और सर्विलांस की टीम के साथ में अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दो अपराधी गिरफ्तार हैं, जिनके कब्जे से एक अवैध असलाह और 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये अपराधी, जिसमें से एक अपराधी रवि चौहान हरैया थाने का निवासी है और एक पालजी गौतम वाटरगंज थाने का निवासी है, ये एक बाइक से जा रहे थे और इनको जब रोका गया तो भागने लगे। बाद मुठभेड़ इनसे गिरफ्तारी की गई है। इनसे प्राप्त जो गांजा है उसके आधार पर एनडीपीएस का अभियोग पंजीकृत है। इनके ऊपर आगे रैंसम की कार्रवाई की जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए पूरा कार्य करने वाली समस्त टीम को 10,000 रूपये की इनाम दिया गया। सर, कुछ मालूम चला कि गांजा लेके कहाँ से आते थे, कहाँ सप्लाई करते थे? एक जो गैंग है, इनके आगे फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक के बारे में जानकारी की जा रही है और इनके पूर्व के अपराधी के इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। सीबीएस के आधार पर अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।